रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक वीडियो की भी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, जिसमें वो बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ दिखाई दे रहे हैं और इसमें राष्ट्रपति पुतिन के पैर हिलते दिखाई दे रहे हैं। बल्कि आज मैं आपको ये कहूं, आज पुतिन चर्चा में नहीं है, बल्कि पुतिन के जो पैर हैं, पुतिन के पैरों की पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। और क्यों हो रही है, वीडियो में देखिए। ये बैठक चल रही है बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ, और इस बैठक में जब पुतिन बैठे हैं तो वो बार बार अपने पैरों को हिला रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर यह देखा गया है कि पुतिन जब बैठते हैं तो उनके पैर लगातार इस तरह से हिलते रहते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, चाहे किसी बैठक में बैठे, कहीं भी जाएं उनके पैर स्थिर नहीं होते और इस तरह से वो अपने पैरों को हिलाते रहते हैं। और इसी के बाद से पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि कहीं पुतिन को कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति से बात करते हुए इस तरह से पैर हिलाना पार्किंसंस नाम की एक बीमारी का शुरुआती लक्षण माना जाता है। और इस वीडियो को यूक्रेन के आंतरिक मामलों के सलाहकार ने शेयर किया है, जिसके बाद अब दुनिया भर में इस वीडियो की चर्चा हो रही है। हालांकि इस वीडियो की प्रमाणिकता को लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा वीडियो या ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राष्ट्रपति पुतिन को लेकर इस तरह की अफवाहें फैलाई गई हों उनके स्वास्थ्य को लेकर। इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया में पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की खबरें आती रही हैं, और ऐसा कहा गया है पहले भी कि उन्हें कभी कोई कहता है कि कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन सभी खबरें हर बार गलत साबित हुई हैं। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आज दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं वो पश्चिमी देशों के पास हैं, और इस समय एक नैरेटिव, वॉर नैरेटिव चल रहा है पश्चिमी देशों के बीच और रशिया के बीच, और थोड़े थोड़े दिनों में ये खबरें उड़ाई जाती हैं वहां के मीडिया द्वारा कि पुतिन की हालत ठीक नहीं है, पुतिन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी ये खबर भी आती है, कभी ये खबर भी, इस तरह की खबरें भी आती हैं कि पुतिन का मूड ठीक नहीं रहता। कई बार ये भी आया कि पुतिन अपनी सेना से बड़े नाराज हैं। फिर ये खबर आपने सुनने को आपको मिली होगी, जिसमें कहा गया कि पुतिन अब बात बात पर अपने सेनापतियों, अपने जो आर्मी के जनरल्स हैं उनसे बहुत नाराज हैं, बात बात पर उनको डांटते हैं, वो लगातार अपनी टीम को बदल रहे हैं, अपने जनरल्स को बदल रहे हैं, और वो इस बात को लेकर डिप्रेशन में चले गए हैं कि उनकी सेना यूक्रेन से जीत नहीं पा रही है। इस तरह की तमाम खबरें जो हैं ये मीडिया के जरिए प्लांट की जाती हैं, ताकि रशिया को कमजोर किया जा सके, उनका मनोबल तोड़ा जा सके, और पूरी दुनिया में व्लादिमीर पुतिन की छवि को खराब किया जा सके। व्लादिमीर पुतिन की जो छवि है वो एक बहुत सशक्त नेता की है, जो किसी से डरता नहीं, किसी के सामने झुकता नहीं। अब ऐसे नेता के बारे में जब आप ये बताएंगे कि उसका स्वास्थ्य खराब है, उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है, उन्हें पार्किंसंस हो सकता है, तब ये जो पूरा जो नैरेटिव होता है ये उस नेता की छवि को कमजोर करने के लिए किया जाता है। अब आप ये देखिए कि अमेरिका और भारत में क्या फर्क है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनकी सबकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो यूक्रेन जाकर या युद्ध क्षेत्रों में जाकर बात करते हैं, शांति दूत बनते हैं, लेकिन असल में मंशा कुछ और होती है। हमने थोड़ी देर पहले आपको जो बाइडेन की तस्वीर दिखाई। दूसरी तरफ भारत है, जिसने टर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद इन देशों की मदद की और वहां एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम्स भेजी, और अब ये टीम्स वापस भारत पहुंच चुकी हैं, और आज टर्की और सीरिया से वापस लौटकर एनडीआरएफ की टीमों से देखिए कौन मिला, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बैठक में रेस्क्यू टीम्स के जो स्निफर डॉग्स थे वो भी शामिल थे। इससे पहले भी आपको याद होगा भारत कोविड के मुश्किल समय में दुनिया भर को, अलग अलग देशों को वैक्सीन बांट चुका है। तो देखिए बड़ी बात, अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बांटता है, जो बाइडेन आज यूक्रेन हथियार बांटकर आए हैं। चीन पूरी दुनिया को वायरस बांटता है और हथियार बांटता है। रशिया भी पूरी दुनिया को युद्ध दे रहा है या फिर हथियारों को बेचता है, लेकिन भारत क्या करता है? भारत पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहा है। भारत जब किसी देश में कोई आपदा आती है तो वहां जाकर अपनी सेना के लोगों को मदद करता है। हमारे सैनिक वहां लड़ने नहीं जाते, हमारे सैनिक वहां पर हथियारों की सप्लाई करने नहीं जाते, हमारे सैनिक आम इंसान को उसकी जीवन बचाने के लिए जाते हैं, चाहे कोविड के दौरान हो और चाहे टर्की के इस भूकंप के दौरान हो। आज इस बातचीत में क्या हुआ अब आप सुनिए। जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सेल्फलेस होता है। ये बात
व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ सेल्फलेसनेस की पहचान को भी सशक्त किया है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी हैं।